दोस्तों इस वीडियो में आगे देखिए कि क्यों एंशिएंट इजिप्ट के लोग दांत में दर्द होने पर मरे हुए चूहों को मुंह में रखते थे और क्यों 19वीं सेंचुरी में लोग इस जहर को खाते भी थे और इसे चेहरे पर भी लगाते थे और नासा ने कैसे स्मार्ट मूव खेल के अपने करोड़ों रुपए बचा लिए। और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज तो देखी होंगी जैसे कि सिंड्रेला और द टॉय स्टोरी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी कौन सी थी और इसे किसने बनाया था? आप सभी को लगता होगा कि वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी बनाई थी, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल वॉल्ट डिज्नी की एनिमेटेड मूवी स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स साल 1937 में रिलीज हुई थी, लेकिन इससे भी 20 साल पहले अर्जेंटीना में एक फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी बन चुकी थी। ये एक पॉलिटिकल सेटायर थी जिसका नाम एल अपोस्टल था। पॉलिटिकल सेटायर वो होता है जिसमें कि किसी फिल्म या नाटक में पॉलिटिक्स से एंटरटेनमेंट गेन किया गया हो। ये मूवी 58,000 ड्रॉइंग्स की मदद से बनाई गई थी और इसका रन टाइम 70 मिनट का था। फैक्ट नंबर 2, आप सभी अपनी स्क्रीन पर जो केक देख रहे हैं उसे जर्मन केक कहते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केक को जर्मनी में नहीं बल्कि अमेरिका में बनाया गया था। ये नाम एक अमेरिकन आदमी सैम जर्मन के नाम पर रखा गया है जिसने कि 1852 में माइल्ड डार्क बेकिंग चॉकलेट को बनाने का फॉर्मूला दिया था। फैक्ट नंबर 3, रशिया के ईस्टर्न रीजन को वेस्टर्न रीजन से जोड़ने वाली ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का रूट इस दुनिया में मौजूद सभी रूट से लंबा है। ये ट्रेन टोटल 9,289 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करती है। अगर आप इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको अपनी घड़ी 8 बार सेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रेन 8 टाइम जोन से होकर गुजरती है। ये ट्रेन अपनी पूरी जर्नी में 3,901 ब्रिजेस को क्रॉस करती है और इस जर्नी को पूरा करने में इसे 7 दिन का समय लगता है। फैक्ट नंबर 4, हमारी अर्थ पर ना जाने कितने सारे ऐसे राज छुपे हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं है। उन्हीं में से एक राज ये है कि हमारी अर्थ के कोर में इतना सारा सोना है कि अगर उस सोने को बाहर निकालकर पूरे अर्थ के ऊपर सोने की परत बनाई जाए तो वो 1.5 फीट मोटी सोने की परत पूरी अर्थ को कवर कर सकती है। और यही नहीं बल्कि 99% प्रीशियस मेटल्स जिनकी कीमत बहुत ज्यादा मानी जाती है वो भी अर्थ के कोर में मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, आपके हिसाब से ह्यूमंस अर्थ पर मौजूद पानी में से कितना परसेंट पानी का यूज करते होंगे, 10% या फिर 20%? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमंस इस अर्थ पर मौजूद पानी का सिर्फ 0.007% इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्लेनेट का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है, लेकिन हम उस पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफिक अर्थ पर मौजूद पानी में से सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है और उसमें से सिर्फ 1% को ही एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि बाकी का 1.5% ग्लेशियर्स और स्नो के रूप में मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, आर्सेनिक एक ऐसा केमिकल है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है और इसको कंज्यूम करने से आपकी जान जा सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेट 19वीं सेंचुरी में आर्सेनिक को लोग खाते थे? दरअसल उस समय ये माना जाता था कि आर्सेनिक खाने से चेहरे से ब्लैक हेड्स और ब्लैक स्पॉट्स मिट जाते हैं और ये चेहरे को सुंदर भी बनाता है। और आर्सेनिक को उस समय कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता था जिसे लोग अपनी स्किन पर लगाते थे और एज ए रिजल्ट जब लोग मरने लगे तो रिसर्च में पता चला कि ये सब लोग आर्सेनिक की वजह से मर रहे हैं और तब इस पर रोक लगा दी गई। फैक्ट नंबर 7, टेक्नोलॉजी आज के समय में कितनी जरूरी हो गई है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है कि हम इसे देखकर अमेज्ड फील करते हैं। ऐसा ही कुछ किया है नासा ने। दरअसल नासा ने स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक 3D प्रिंटर भी भेज रखा है जिससे कि कई सारी चीजें प्रिंट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर एस्ट्रोनॉट्स को किसी टूल की जरूरत पड़ती है तो नासा इस टूल की 3D डिजाइन को स्पेस में भेज देती है और एस्ट्रोनॉट्स इसे 3D प्रिंट कर लेते हैं, जिससे नासा के बहुत सारे पैसे तो बचते ही हैं पर साथ ही ये काम बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपको बीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। दरअसल ये छोटी सी दिखने वाली मक्खियाँ माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। बीज सी लेवल से 29,500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकती हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, आपके दांतों में दर्द होता है तो आप क्या करते हो? कुछ लोग पेन किलर लेते होंगे और अगर उससे भी आराम ना हो तो वो डेंटिस्ट के पास चले जाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एंशिएंट इजिप्ट के लोगों के दांतों में दर्द होता था तब वो मरे हुए चूहे को अपने मुंह में रख लेते थे। दरअसल उन लोगों का मानना था कि ऐसा करने से दांतों की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और इसके बारे में हमें नेथन बेल ऑफ स्काई की बुक स्ट्रेंज मेडिसिन में देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में एक ऐसा लॉ भी था जिसके अकॉर्डिंग अगर कबूतर कहीं पर पोटी कर देता है तो उस पोटी पर ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का हक होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोचेंगे कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली कबूतर की पोटी का करेगी क्या? दरअसल 18वीं सेंचुरी में कबूतर की पोटी का यूज करके गन पाउडर बनाया जाता था, इसीलिए वहाँ पर ऐसा अजीब रूल देखने के लिए मिलता था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने टॉय स्टोरी मूवी तो देखी होगी जो कि बचपन में हम सबको अच्छी लगती थी,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस मूवी का सेकंड पार्ट यानी टॉय स्टोरी 2 बनाया जा रहा था, तब गलती से एक एम्प्लॉय ने इस मूवी का कुछ सीक्वेंस डिलीट कर दिया था, और जितनी भी फाइल्स डिलीट हुई थी अगर उनको दोबारा से बनाया जाता तो उसमें एक साल लग जाता। लेकिन किस्मत से एक दूसरे एम्प्लॉय के पास उस फिल्म का बैकअप उसके घर पर लैपटॉप में सेव था, जिसकी वजह से फिल्म टाइम पर बन पाई और रिलीज की गई। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि प्लेन्स को किसने और कब बनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल फ्लाइट कब उड़ी थी और इसमें कितने पैसेंजर थे। दरअसल दोस्तों सबसे पहली कमर्शियल फ्लाइट 1 जनवरी साल 1914 में उड़ी थी। ये फ्लाइट सेंट पीटर्सबर्ग से उड़ी थी और टैम्पा में लैंड कराई गई थी। ये दोनों जगह फ्लोरिडा में है। ये जर्नी 27 किलोमीटर लंबी थी। इसे उड़ाने वाले पायलट का नाम था टोनी जेनस और इसमें एक ही पैसेंजर था जिसका नाम था एब्राहम फिल, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के फॉर्मर मेयर थे, और उन्होंने इस 23 मिनट की जर्नी के लिए $400 दिए थे, जो कि आज के हिसाब से $8500 यानी कि ₹6,85,000 बनते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों मच्छरों से बचने के लिए हम सब तरह तरह के इंतजाम करते हैं, लेकिन क्या आपको पता कि सिंगापुर ने मच्छरों से निपटने के लिए एक अमेजिंग स्टेप उठाया। दरअसल सिंगापुर में लैब्स के अंदर कुछ ऐसे मच्छरों को क्रिएट किया गया है जो ना तो इंसानों को काटते हैं और ना ही किसी वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, और ये मच्छर जब भी किसी नॉर्मल मच्छर के साथ मेट करते हैं तो ये उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, जिसको सिंगापुर एक बड़े स्केल पर फैला रहा है, और एज ए रिजल्ट इससे बहुत जल्द वहां पर मच्छरों की पॉपुलेशन में एक भारी गिरावट देखने को भी मिलेगी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ के लगभग 80 से 110 दांत होते हैं, और मगरमच्छ अपनी पूरी जिंदगी में एक दांत को लगभग 80 बार टूटने के बाद दोबारा से उगा सकता है, जिस हिसाब से मगरमच्छ अपनी पूरी लाइफ में 4000 दांतों को उगा सकता है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मगरमच्छ कभी भी अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी जीभ उनके निचले जबड़े से जुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों फेविक्विक का यूज तो आप सभी ने किया होगा, और क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम फेविक्विक को खोलते हैं तो उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलता है, क्योंकि फेविक्विक के अंदर जो एडहेसिव होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए फेविक्विक सिर्फ सेकंड्स में किसी भी चीज को चिपका देती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर ये फेविक्विक आपकी आंखों में गिर जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हो तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखों को पानी से धो लेना है, और अगर इसके बाद भी आपको आंखों में जलन हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर्स आंख में गई उस फेविक्विक को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।